हाय फ्रेंड्स, तो मार्केट से खट्टी मीठी नमकीन कई बार लेके आए होंगे, तो घर पर बनाई है खट्टी मीठी नमकीन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम लाइक हेवन में। तो आज हम बनाने वाले हैं पोहा नमकीन, खट्टी मीठी, बेहद टेस्टी और बिल्कुल आसान तरीके से, तो आप भी बनाइए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पोहा नमकीन। पोहा नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पोहे का ये 500 ग्राम का पैकेट लिया है, बट मैं यहाँ पर 250 ग्राम पोहे का यूज़ करूँगी। आप इस तरह का पैकेट मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ये आसानी से आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पर ये आलू वाली नमकीन ली है, पंजाबी तड़का इसका नाम है। आप चाहे तो इसकी जगह आलू भुजिया नमकीन ले सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ये कुछ गोला है, इसको इस तरह से कट कर लिया है। और ये मूंगफली की गिरी है, किशमिश, भुने हुए चने, मखाने, बादाम, ये ग्राम में सभी 10-10 ग्राम हैं। तो चलिए अब हम इनको रोस्ट कर लेते हैं। तो अब हमें इन सबको रोस्ट करना है और फिर देखते हैं आगे क्या प्रोसेसर करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह की कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डालूंगी और मैंने अपनी गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच घी ऐड कर लिया है। अब सबसे पहले हम अपनी मूंगफली रोस्ट करेंगे। तो देखिए हमारा घी हो चुका है, अब हम इसमें अपनी मूंगफली डाल देंगे और इनको हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए हमारी जो मूंगफली की गिरियां हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और अपना बाकी जो हमें फ्राई करना है सामान उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बादाम, गोला। तो फ्रेंड्स, हमें सभी चीज़ों को बहुत हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं भुनना है जिससे इनका टेस्ट कड़वा ना हो जाए। तो इसको हमें बिल्कुल हल्का हल्का भुनना है जिससे बस ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और मखाने, अब मैं पोहा रोस्ट करूँगी तो फिर से मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर अपना पोहा डाल दूँगी तो इसको अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे और हल्का सा ब्राउन कलर, बिल्कुल लाइट ब्राउन चाहिए हमको। तो इतना फ्राई कर लेंगे हम इसको। तो हम इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और पोहे की नमकीन बच्चे बड़े सबको बेहद पसंद होती है, इसका जो खट्टा मीठा टेस्ट आता है ना वो बेहद अच्छा होता है। तो और बिल्कुल घर के सामान जो हमारे घर पर होता है उसी सामान से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और घर पर बनी हुई चीज़ें काफ़ी हेल्दी होती हैं, और घर पर बनी नमकीन तो बच्चे थोड़ी थोड़ी बहुत देर में उनको छोटी मोटी भूख लगती रहती है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी है। और हम सब, हमको भी चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसी तरह से आप भी बनाकर रख सकते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। तो खट्टा मीठा टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर ये एक टुकड़ा टाटरी का लिया है, और मीठे के लिए मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। तो हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए हमने इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। और चलिए अब जब हम अपनी नमकीन को मिक्स करेंगे तो अब हम इसमें एक बड़े बर्तन में पोहा डाल देंगे। और ये देखिए हमारा पोहा कितना क्रिस्पी है, ये देखिए बिल्कुल आसानी से टूट जाता है। इसी तरह का हमारा पोहा भुना हुआ होना चाहिए। अब हम इसमें बाकी के सामान भी डाल देंगे। यहाँ पर बादाम को काट कर लिया है, आप चाहे तो इसको साबुत भी डाल सकते हैं, तो मैं इसको काट कर डाल रही हूँ।
मखाने, किशमिश। अभी पहले नमकीन, और देखिए कितने थोड़े सामान में ही हमारी कितनी सारी नमकीन तैयार हो जाएगी। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर जो हमने पेस्ट बनाया है अपना चीनी का वो हम डालेंगे। अभी एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और ये देखिए मैंने चने भी डाल दी हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब हमने जो चीनी का और टाटी का मिश्रण बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे, और अपने जो बाकी मसाले हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा में ये जो हमारा मिश्रण है उसको डाल लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। तो मैंने यहाँ पर अभी 2.5 चम्मच नमक डाला है, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान तरीका है ना नमकीन बनाने का। आप भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। आप भी खुश और बच्चे भी खुश। तो देखिए हमारी पोहा नमकीन बनकर बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसको स्टोर कर लेंगे। तो मैंने ये इस तरह का एक बॉक्स डिब्बा ले लिया है। आप चाहें तो किसी भी डिब्बे में इसको स्टोर कर सकते हैं, और मैं अब जो इसको इसमें भर कर रख दूँगी। तो देखिए खाने के लिए बिल्कुल तैयार है पोहा नमकीन, और बच्चे तो बिल्कुल छक्कर खाएंगे कितनी सारी नमकीन बनी है। और इस बार आप घर पर बनाए नमकीन और आप इस तरह किसी भी डिब्बे में इसको स्टोर कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक इसी तरह बिल्कुल क्रिस्पी और बढ़िया रखी रहती है। और आप भी इस नमकीन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।